दोस्तों, इस बार जो नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, वो दो अमेरिकन साइंटिस्ट एंड एक ब्रिटेन साइंटिस्ट को मिला है। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था हेपाटाइटिस सी ड्रग डिस्कवरी, यानी हेपाटाइटिस सी जो डिजीज़ था उसको कैसे क्योर किया जाएगा उसके ऊपर मेडिसिन बनाया है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन वो दो अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। वो है हर्वे जे अल्टर एंड चार्ल्स एम राइस, ये दोनों अमेरिका के हैं। एंड माइकल हॉन्गटन ये जो है ये यूके के हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बिकॉज इसमें मैं बताने जा रहा हूँ हेपेटाइटिस सी बीमारी होता क्या, यानी डिजीज़ क्या होता है, कैसे फैलता है यानी स्प्रेड कैसे होता है, एंड सिम्टम्स कैसे होता है, एंड उसका क्योर कैसे किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस सी डिजीज़ होता क्या है। दोस्तों, ये एक वायरल डिजीज़ है, दैट मीन्स ये डिजीज़ वायरस से फैलता है, एंड ये एक ब्लड बर्न डिजीजेस है, यानी ब्लड से कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को हेपेटाइटिस सी डिजीज़ हो जाता है, दैट मीन्स उसके लीवर डैमेज हो जाते हैं, यानी मीन्स लीवर कैंसर हो जाता है। अगर किसी के लीवर कैंसर हो जाता है, आगे जाके ये डिजीज़ डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ये स्प्रेड कैसे होता है, दैट मीन्स हेपेटाइटिस सी जो है स्प्रेड कैसे होता है। दोस्तों, ये स्प्रेड होता है ब्लड ट्रांसमिशन से, यानी अगर हम किसी को ब्लड दे रहे हैं या हमारा ब्लड किसी के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, उसी टाइम ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है। किसी मदर को हेपेटाइटिस सी डिजीज़ हुआ है एंड उनके बेबी को हेपेटाइटिस सी होने का चांस बढ़ जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हेपेटाइटिस सी जो बीमारी होता है ये हमेशा ब्लड ट्रांसमिटेड होता है, यानी ब्लड से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, इसका सिम्टम्स की बात करूँगा। हेपेटाइटिस सी के कोई भी एक्चुअली सिम्टम्स नहीं है, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सिम्टम्स दिखता नहीं है, बट जब ये लेटर स्टेज में पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम के लिए क्या दिक्कत आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। येलोइंग अप आई एंड स्किन, लीवर ख़राब होने की वजह से आपका जो स्किन एंड आई होते हैं कलर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स येलो कलर का हो जाता है, आपका वेट लॉस हो जाएगा, हेडेक होगा, कोल्ड रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस हेपेटाइटिस सी डिजीज़ होने में सिम्टम्स नहीं दिखता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस सी के वजह से नॉट ओनली इंडिया में बट ऑल्सो वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोग मरते हैं। दोस्तों, बात करता हूँ ये डिस्कवर होने से हमें फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों, हेपेटाइटिस सी ड्रग्स डिस्कवर होने से जब ब्लड ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हम उसी को उसी टाइम चेक करके ब्लड ट्रांसमिशन रोक सकते हैं, यानी कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन या ब्लड बैंक में कोई भी ब्लड स्टोर होता है, हम उसको चेक कर सकते हैं और रोक सकते हैं, एंड लीवर कैंसर को रोक सकते हैं। एंड वर्ल्ड में और इंडिया में जो बहुत सारे डेथ होता है हेपेटाइटिस सी के वजह से, उसको हम रोक सकते। दोस्तों, ये था हेपेटाइटिस सी के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।